न्यूज नाटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झांसी के मोटगला मंडी में आज जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी कुमार ने गला मंडी में बने 4 खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खरीद केंद्रों पर खरीद की जाने वाली गेहूं के बारे में भी किसानों से बातचीत की। किसी भी प्रकार के किसानों को कोई समस्या तो नहीं है, इन्हीं विभिन्न प्रकार के किसानों की समस्याओं को सुना। वहीं उन्होंने कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंस के नियमों के बारे में भी बातचीत की और सभी को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो रहा है कि नहीं, उन्होंने वह भी चेक किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर हाल में सोशल डिस्टेंस के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग कार्य करें और किसानों को भी इसके बारे में जानकारी दें। क्या चेक किया आपने? आज यहाँ पर हम देखने आए थे गेहूँ खरीद में किसानों के साथ कोई समस्या ना आए एवं सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के संबंध में जो जारी दिशा निर्देश हैं, जैसे इन लोगों पास साबुन हो, पानी हो हाथ धुलवाने के लिए, और जो लोग आए उनका साबुन पानी से हाथ धुलवाएं। इसके बाद किसानों को भी समस्या ना हो, उनकी खरीद भी हो, भुगतान समय से हो जाए, बोरे की आज कोई समस्या ना हो, गेहूँ की डंपिंग ना हो, तो उन लोगों से वार्ता किया गया। गेहूँ की जो खरीद हो रही है बिल्कुल कैसा पाया उसको? गेहूँ खरीद तो अभी तो संतोषजनक है, कोई समस्या नहीं है। जो समस्याएं आ रही हैं उसका निस्तारण किया कराया जा रहा है। और सोशल डिस्टेंस को देखा क्या आपने? हाँ बिल्कुल देख रहा है, इस संबंध में इन लोगों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके पहले भी हम आए थे तो सोशल एक दूसरे को दूरी बना के रखे, तो इसका इन लोगों को पालन करने के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। और इस संबंध में यहाँ पर मोट मंडी में 4 केंद्र हैं, चारों चल रहे हैं, और इन लोगों को ये निर्देश दिया गया चारों चलाएं, अगर कोई भी समस्या आए तो हमसे सीधे बात करें, अपने जिला प्रबंधक PCF से भी बात करें, समस्या का समाधान करें। और हम लोगों की ADM साहब की अध्यक्षता में हर एक सप्ताह में 2 बार मीटिंग भी हम करा रहे हैं। अभी कल भी मीटिंग हुई थी, तो जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आप लोग जो है अपने केंद्रों को कायदे से चलाएं, सुचारू रूप से, बोरे की पर्याप्त व्यवस्था रखें और संप्रदान समय पर होता रहे, किसानों को भुगतान होता रहे। थोड़ी जल्दी ओके सर, धन्यवाद।